हेलो दोस्तों दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं वह है बुज़ुर्गों को बड़ा तोहफा। जी हाँ फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि बुज़ुर्गों को क्या बड़ा तोहफा सरकार द्वारा दिया जा रहा है। महिला व पुरुषों को दे रही है सरकार यह तोहफा। देखिए आपको कैसे मिल पाएंगे ये पैसे जो हम आपको बता रहे हैं और किस किस को यह लाभ दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसकी विस्तार से जानकारी, विसंपूर्ण जानकारी हम आपको देते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, विस्तार से जानकारी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों सभी को बता दें कि बुढ़ापे में बल्ले बल्ले हो जाएगी। वर्ष 2022 में हर माह कम से कम सभी को 10,000 रुपये पेंशन मिलेगा, जिससे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, सभी बुजुर्गों के लिए यह खुशखबरी है कि आपको इस वर्ष 2022 में 10,000 रुपये पेंशन दिया जाएगा, जिससे आपको किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, क्योंकि सरकार की तरफ से यह एक सुविधाजनक योजना को शुरू किया गया है। बुजुर्गों को सरकार की तरफ से यह सबसे बड़ी खुशखबरी दी गई है। तो फ्रेंड्स, सभी बुजुर्गों को यह खुशखबरी सरकार द्वारा दी जा रही है। सरकार इसका लाभ सभी के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसका लाभ आप सभी बुजुर्गों को सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे तथा बुजुर्ग अपनी इच्छा अनुसार इसमें पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी बुजुर्ग अब अपनी इच्छा के अनुसार पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। केंद्र सरकार के माध्यम से चलाई गई इस योजना के तहत बुजुर्गों को उनकी इच्छा के अनुसार कम से कम 1,000 या 2,000 या 3,000, 4,000, 5,000 हर महीने पेंशन उपलब्ध कराती है। अगर पेंशन में पति और पत्नी दोनों अप्लाई करती हैं तो उन्हें प्रति महीना 10,000 का पेंशन प्राप्त हो सकेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यदि दोनों ही पति और पत्नी इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो खुशखबरी की बात यह है कि आप दोनों का पेंशन मिलाकर 10,000 रुपये आपको पेंशन प्राप्त हो सकेगा, या फिर वह प्रति महीने 2,000 पेंशन ले सकते हैं, या फिर 4,000 प्रति माह ले सकते हैं, या फिर 6,000 ले सकते हैं। सरकार इसमें पेंशन सभी बुजुर्गों को उपलब्ध करा रही है। चलिए इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करा देते हैं आपको। अगर पति पत्नी दोनों को हर रोज 7,700 रुपये यानी 14 रुपये रोजाना निवेश करना होगा, हालांकि ये निवेश मंथली के हिसाब से होगा, इसकी किस्त भी उम्र के हिसाब से ही तय होगी। तो फ्रेंड्स, इसकी जो किस्त रखी गई है वह उम्र के हिसाब से तय होगी। सबसे कम 210 रुपये महीना तय की गई है। सबसे कम उम्र में 210 रुपये महीना तय की गई है। इस योजना का लाभ 40 साल या इससे कम उम्र के लोग ले सकते हैं। इसे अधिक आयु वाले इसका लाभ नहीं ले सकते। अब आपको बता दें, सालाना कमाई 30 लाख रुपए। तो फ्रेंड्स, आपके सालाना के 30 लाख रुपए होंगे। अटल पेंशन योजना 2022 का लाभ लेकर पति पत्नी 1,20,000 वार्षिक पेंशन पा सकते हैं। पेंशन की राशि प्रीमियम पर डिपेंड करती है। पेंशन की मिनिमम राशि जो होगी आपकी 1,000 रुपये और अधिकतम 500 रुपये
महीने की तय की गई है। इस योजना के तहत पेंशन प्लान लेने पर इनकम टैक्स में सेक्शन 80 CCD 1B के अंतर्गत निवेशक को लगभग 50,000 की इनकम टैक्स प्रदान की जाएगी। इसके अलावा यदि पाने वाले की मृत्यु हो जाती है तो ये पेंशन उसके पति या पत्नी या नॉमिनी को ट्रांसफर कर दी जाएगी। यानी पेंशन का लाभ परिवार में किसी न किसी को मिलता रहेगा। यदि पेंशन का लाभ लेने वाले की मृत्यु 60 साल से पहले हो जाती है उस अवस्था में भी पेंशन उसके नॉमिनी को प्रदान किया जाएगा। किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाकर इसका लाभ लिया जा सकता है। इसके लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 40 साल तय की गई है। इसमें आपको बता दें कि इसमें उम्र और 60 साल की उम्र के बाद मिलने वाली रकम के हिसाब से प्रीमियम तय की जाती है। इसमें 100 से लेकर 1454 तक मंथली प्रीमियम तय किया गया है। तो फ्रेंड्स, सभी पेंशन धारकों को यह विस्तार से जानकारी हमने आप दी है। दोस्तों, आपसे कहना चाहूँगी यदि आप भी पेंशन धारक हैं तो विस्तार से जानकारी हमने आपको दी है। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि जो भी हम नई वीडियो लेकर आए, नई जानकारी लेकर आए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो यदि अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि औरों तक भी यह जानकारी पहुँच सके, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे कहना चाहूँगी, हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।